नमस्कार साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है स्क्रीनशॉट मेरी पेंशन का है कि किस टाइप को जो है कब कितनी पेंशन आई है और कितना जो है बिल कटा है, बिल पारित हुआ, कितनी पेंडिंग है। ठीक है ना, पहले तो मैं आपको ये बिल बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे कि आपको जैसा कि विधिवत रूप से याद है कि इस साल पेंशन बनने वाली है 1150 रुपये। कहने का मतलब 1000 से 1150 रुपये होने वाली है पेंशन, यानी कि 150 रुपये बनने वाले हैं, लेकिन अभी तक बढ़ी नहीं है। क्या कारण है, क्या राज है? पहले तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये सारा का सारा डेटा है। इधर पेंशन जो हमारा बिल करता है वो है, इधर बिल जिस दिन करता है वो है, और इधर जिस दिन पेंशन आती है वो है। ठीक है ना, तो मेरी जो पेंशन आई है सबसे पहले 12वें महीने की आई थी। कहने का मतलब दिसंबर की पेंशन मेरे आ चुकी थी। ठीक है ना, ये आई थी अपने 11 मार्च 2024 को 1000 रुपये। ओके, ठीक है साहब। अब ये तो आई थी दिसंबर की, जनवरी फरवरी की बाकी है। ठीक है ना, जनवरी फरवरी की बाकी है और ये मार्च की बाकी है, जिसका बिल 1 तारीख को कटा है। अब यहाँ पे देखिए, जिस दिन पेंशन आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ ये पेंशन आई नहीं। कहने का मतलब जनवरी की नहीं आई, फरवरी की नहीं आई, मार्च की नहीं आई। ठीक है ना, लास्ट में देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल को अभी 4 दिन पहले बिल कटा है 1000 रुपये का। अभी आई नहीं, या जिस दिन आएगी उस दिन आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन बिल 1000 ही क्यों कटा है, 1150 से क्यों नहीं कटा? क्योंकि पेंशन बढ़ने की तो बात थी, इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ, शुरू करता हूँ एक एक को, जैसा आपके भी अगर ऐसा हो रहा तो आप जो है इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। ये 11 तारीख को पेंशन आई थी, लेकिन आई किसकी थी? ये कभी भी आओ, इधर मायने नहीं रखता है, ये वाला मायने नहीं रखता, मायने ये वाला रखता है। ये थी अपने दिसंबर की 26/12 को, दिसंबर की पेंशन मार्च में आई थी। तो ये 5/2 को बिल तो कटा है, 5 फरवरी को बिल कटा है, लेकिन ये 5 फरवरी का बिल नहीं, ये जनवरी का बिल है। आई बात समझ में साथियों? भले ये किसी भी दिन कटा हो, तो अब जनवरी का बिल है, ये 4-5 दिन में, 6-8-10-15 दिन में पेंशन आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब पेंशन कौन सी आएगी मेरी बात करूँ, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ये अपनी जनवरी की पेंशन आएगी। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे फरवरी की यहाँ पे पेंशन आएगी, ये फरवरी का बिल कटा हुआ है, 26 तारीख को कटा फरवरी में अभी बिल। ठीक है, अब यहाँ पे 1 तारीख को बिल जरूर कटा है, 1 अप्रैल को बिल कटा है, लेकिन ये अप्रैल का नहीं कटा है, ये मार्च का कटा है। ठीक है ना, तो जिस दिन आएगी यहाँ पे मार्च की पेंशन आ जाएगी, तो जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन बाकी है। इसके अलावा अगला बिल जो कटेगा वो अप्रैल का कटेगा, वो कितने का कटेगा? वो भी 1000 का कटेगा। ठीक है ना, उसके बाद अगला जो बिल कटेगा वो 1150 को कटेगा। कहने का मतलब अभी तक 4 पेंशन, तीन तो ये, एक तो ये वाली, एक मिनट थोड़ा सा, एक वाली ये, दूसरी ये और तीसरी ये, और इसके अलावा एक और पेंशन आएगी, 4 यानी 4000 अभी तक ऐसे आएंगे जो 1000 रुपये आएंगे, उसके बाद वाली जो पेंशन आएगी 1150 रुपये, ये वाला फंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पेंशन जो है 4थे महीने वाली आएगी और 5वें महीने में आएगी। 4थे महीने का जो बिल कटेगा ना, ये तो कौन सा बिल है, ये तो 3रे महीने का बिल है अभी तक, ये मार्च का बिल है। अप्रैल का जो बिल कटेगा वो आपके 1150 को कटेगा महीने। ठीक है,